हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आयोग क्या सभी अच्छे होंगे। तो लगातार बच्चों के मैसेज कमेंट्स आ रहे हैं कि सर बैक पेपर का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा और कॉपी चेक जो है वो कब तक हो जानी है। तो पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देखेंगे कि कॉपी जो चेकिंग होनी है उसकी जो प्रोसेस है वो कैसे रहेगी, और हार्ड चेकिंग है या इजी चेकिंग है वो भी पूरा आपको इसमें डिटेल में बताने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पर हमने आप लोगों के लिए एक लिंक प्रोवाइड करा दिया है, बैक पेपर रिजल्ट 2024। यहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। सिंपली जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको बैक पेपर के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जिस दिन आप लोगों का रिजल्ट आएगा उससे 2 से 3 दिन पहले हम आपको यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप इजिली उस लिंक पर क्लिक करके अपना रिजल्ट देख पाए। तो यहाँ पर आप कैसे पहुंचेंगे वो हम जानेंगे। बाकी जो एक डेट है कॉपी चेकिंग की प्रोसेस जो है वो है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि 4 दिन में जांची जाएंगी बोर्ड सुधार परीक्षा की कॉपियां। तो आप लोग के जो एग्जाम है वो लगभग 21-22 तारीख के आसपास आप लोग के जो एग्जाम है वो हो चुके हैं खत्म। तो अब आगे की जो चेकिंग प्रोसेस है वो आप यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर के हाई स्कूल व इंटर की सुधार परीक्षा बुधवार को खत्म हो गई। मूल्यांकन कार्य 29 जुलाई से 1 अगस्त तक चलेगा। यानी आप ये मान चलिए अभी 27, आज 27 तारीख हो रही है, 28, 29 से लेकर के 1 अगस्त तक आप लोग का जो कॉपी चेकिंग की प्रोसेस है वो चलने वाली है। 2 केंद्रों में मूल्यांकन का कार्य कराया जाएगा। परिषद ने इस साल 23 अप्रैल को हाईस्कूल व इंटर की परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया। शासन की ओर से पिछले साल से हाईस्कूल में 2 व इंटर में 1 विषय में फेल होने फेल परीक्षार्थियों को 3 बार सुधार परीक्षा का मौका दिया गया है। बोर्ड ने 18 से 24 जुलाई तक सुधार परीक्षा कराई थी। यह परीक्षा इस साल व पिछले साल के फेल परीक्षार्थियों ने दी है। हाईस्कूल सुधार परीक्षा में 10,724 व इंटर में 11,163 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। हाईस्कूल की उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए 248 में इंटर की परीक्षा कॉपी जो है उसको जांचने के लिए 241 जो टीचर हैं वो नियुक्त किए गए हैं। तो अगर हम टोटल बच्चों की बात करें तो 10,000 लगभग 11,000 आपके इसमें है और 11,000 इधर, लगभग मान चलिए 22,000 बच्चे जो हैं इस बार जिन्होंने बैक का पेपर दिया है क्लास 10th और 12th दोनों का मिला करके। आप लोग रिजल्ट कहाँ चेक करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, और रिजल्ट कब तक आएगा वो भी हम पूरा इसमें डिस्कस करेंगे। तो सिंपली आपने गूगल में जाकर सर्च करना है कंपोज सर, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली आपने उसके होम पेज पर क्लिक कर देना है। जैसे आप होम पेज पर पहुंचेंगे यहाँ पे आपको एक ऊपर ऑप्शन मिल जाता है बोर्ड रिजल्ट 2024। जो बच्चे मोबाइल में ओपन करेंगे तो उसके साथ आप लोगों के सामने 3 डॉट देखने को मिल जाएगा। मोबाइल में कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, तो सिंपली आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है बोर्ड रिजल्ट 2024, या तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज जो आपके सामने ओपन हो जाएगा वहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पूरा अपडेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इससे पहले अगर हम बात करें या फिर आप या तो जैसे बोर्ड रिजल्ट पर क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, अदरवाइज आप थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है बोर्ड सॉरी बैक पेपर रिजल्ट 2024, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट जो आपके सामने पेज ओपन होगा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बोर्ड रिजल्ट के वाले ऑप्शन में यूके बोर्ड बैक इंप्रूवमेंट रिजल्ट 2024। इस पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पे हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करा देंगे जहाँ पे आप इजिली अपना जिस दिन आप लोग का रिजल्ट आना होगा उसी दिन हम आप लोगों को यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप इजिली अपना रिजल्ट चेक कर पाए। और रिजल्ट कब तक आने की संभावना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप सभी ने बैक पेपर के लिए बहुत मेहनत की है। उत्तराखंड बोर्ड सुधार परीक्षा 2री बार आयोजित की गई। पहली बार का उत्तीर्ण प्रतिशत लगभग 90% है, यानी अगर 100 लोगों ने पेपर दिया तो लगभग 85 से 90 लोग वहाँ पर पास हुए हैं। कॉपी चेकिंग का जो कार्य है वो आप लोग का आरंभ हो चुका है, यानी 29 तारीख को आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड सुधार परीक्षा का परिणाम जो है 10 अगस्त सुबह 11 बजे तक घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। ये अभी मान के लिए अप्रोक्स है कि 10 अगस्त तक, क्योंकि 1 तारीख तक आप लोग की जो कॉपी चेकिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा, एक नहीं हम 2 मान लेते हैं, बाकी लगभग 4 से 5 दिन का। उसके बाद जो आप लोग का मार्क्स अपडेट का रहेगा इंटरनेट पर, ठीक है, वो जो रहेगा 4 से 5 दिन का टाइम उसमें लगेगा इतने बच्चों का उस पर अपडेट करने के लिए डाटा एंट्री करने में। और उसके बाद देखें अगर तो लास्ट आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लेट जो होगा वो 10 अगस्त तक, ठीक है, 10 अगस्त से या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन ऊपर जा सकता है, बट उससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। यानी आप मान चलिए कि आप लोग का जो रिजल्ट है वो 10 अगस्त तक जारी कर दिया जाएगा। कहाँ चेक करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, सिंपली कंपोजर सर्च करना है, होम पर आना है, बैक पेपर रिजल्ट पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा यूके बोर्ड रिजल्ट बैक इंप्रूवमेंट। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपको यहीं पर एक ऑप्शन मिल जाएगा जस्ट इसके नीचे चेक योर रिजल्ट या फिर चेक बोर्ड रिजल्ट, ठीक है, ऑप्शन मिल जाएगा। आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है, रोल नंबर डालना है, आप अपना रिजल्ट इजीली चेक कर पाएंगे। आई होप बच्चों ये पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।